आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। स्पॉन्सर्ड बाय जी इंटीरियर पट। नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज पर बिहार नीति। जी हां, दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और बिहार सरकार के मंत्री एवं वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के बीच हुई मुलाकात से राज्य का सियासी तापमान बढ़ गया है। दरअसल जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पंचायत प्रतिनिधि का कार्यकाल 6 महीने तक और बढ़ाने की मांग की थी। मांझी ने देश में आपातकाल के दौरान लोकसभा कार्यालय बढ़ाने का हवाला दिया था। जीतन राम मांझी ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुकेश सहनी से पंचायत चुनाव के अलावा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। मांझी ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पंचायत प्रतिनिधि का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाने की मांग की है। कई बार आपातकाल के दौरान लोकसभा कार्यालय को संविधान के आर्टिकल 352 के तहत बढ़ा दिया गया। कोरोना के आपातकाल संकट को ध्यान में रखते हुए maa.@nitishkumarji से आग्रह है कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल कम से कम 6 माह के लिए बढ़ा दी जाए, जिससे ग्रामीण इलाकों का विकास कार्य चलता रहे। जीतन राम मांझी, May 28, 2021। मुकेश सहनी के मुलाकात के बाद मांझी ने राज्य में कोरोना को लेकर सरकार पर सवाल भी खड़े किए। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट कर सरकार की खिंचाई की। एक राज्य के उप स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार के अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन समाधान नहीं है। सही मायने में स्वास्थ्य संकट से निपटना है तो गाँव के उप स्वास्थ्य केंद्रों तक को सुव्यवस्थित करना होगा, ताकि भविष्य में स्वास्थ्य संकट से निपटा जा सके। हालांकि इस दौरान मांझी ने सीएम नीतीश कुमार को कोरोना संक्रमण के घटती दर के लिए आभार जताया है। वैसे भी सरकार व्यवस्था कुछ भी हो या लोगों के इम्यूनिटी पावर ठीक हो रही हो, यह बात तो तब समझी जाएगी कि हम कोरोना से जंग जीत चुके हैं। अभी तो यह हाल है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बहरहाल आज हमने बताया कि दो सियासी चेहरे के एक साथ मिलने से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। फिलहाल देखना यह होगा कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ नया होने वाला है। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें टीडी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस न करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।